हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। हमारी साइंस एंड टेक की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करेंगे अपने कोट से। तो आज का कोट है, एवरी डे इज़ अ सेकेंड चांस। तो ये कोट हमें दो बातें सिखा रहा है, एक तो वैल्यू ऑफ टाइम और दूसरी ओनरशिप, हमारी ओनरशिप क्या है टाइम के ऊपर। तो कोट बोल रहा है कि हर दिन जो है आपके लिए सेकेंड चांस होता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक दिन फेल हो गए हो, लेकिन अगले दिन आपके पास फिर से ट्राई करने के लिए टाइम होता है। और इसको अगर आप और छोटा तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ओनरशिप है टाइम के ऊपर। जो आने वाला टाइम है वो आपका है, उसके ऊपर आपकी फुल कमांड है। अगर मान लो आप कभी पढ़ाई कर रहे हो और कुछ टाइम जो है आपको काफ़ी टिपिकल सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ते हुए समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, या टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो दैट इज़ ओके, वो उस टाइम के लिए ठीक है। लेकिन आपके पास जो आपका नेक्स्ट जो आवर आने वाला है उसकी पूरी ओनरशिप है आपके पास, अगर आप इंटेंशनल होंगे हर चीज़ के प्रति। एक होता है रिएक्शन करना, किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट करना। कई बार ऐसा होता कि एक छोटी सी जो है बात गलत हो जाए, छोटा सा स्टेप गलत हो जाए, पढ़ते टाइम ही छोटी मोटी गलती हो जाए, तो उसकी वजह से पूरा दिन ख़राब चला जाता है। लेकिन कोट बोलना चाहता है कि आपके पास पूरा जो समय है उसके ऊपर आपकी पूरा नियंत्रण है, आपकी कमांड है उसके ऊपर, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको आप अपनी इंटेंशन से रोक सकते हो और आप अपने जो आने वाला समय है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ट्रेन दैट रन ऑन द वर्चुअल ट्रैक। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सी बात है, ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने किया क्वेश्चन, क्योंकि यही पूछा जाएगा कौन सी कंट्री ने किया ये, ठीक है। क्योंकि विजुअल ट्रैक और ये वो कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछता यूपीएससी कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ट्रैक एंड दिस एंड दैट। सो चाइना ने इसे अनवेल किया, वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल ट्रैक। वर्चुअल ट्रैक है मतलब जो ट्रैक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ट्रेन खुद उसको क्रिएट करेगी, अपने तरीके से सोचेगी, उसको सेंसर से बना के चलेगी। मतलब एक जैसे ये ट्रेन है हमारी, इसके आगे जो ट्रैक है, ठीक है, ये मतलब वर्चुअल है एक तरीके से, यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है। ट्रेन होती है नीचे मेटल की पटरी लगी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई मेटल की पटरी नहीं है। ये ट्रेन क्या करेगी, सेंसर होंगे इसके पास में, जिससे डायमेंशन कितना रोड पे मेरे को चलना है उतनी वो सेंस कर लेगी और उसी के ऊपर रन करेगी। तो चाइना ने बनाया है, याद रखना है। नेक्स्ट आता हमारा, नासा टेस्ट फ्लेक्सिबल रोल आउट सोलर एरे ऑन स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, जो स्पेस स्टेशन है, फाइव जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्पेस स्टेशन भेजा हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। और नासा ने क्या किया, रोल आउट सोलर एरे। अब मेन बात आती है रोल आउट सोलर एरे क्या होता है। तो जैसे बेसिक बात है, सोलर की बात हो रही है इसमें, तो सोलर पैनल से एनर्जी देने की बात हो रही है। और आपको क्या करना है, अगर आप सोलर पैनल ऊपर भेजोगे तो आपको, एक तो सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा स्पेस गैदर करता है, ठीक है, उसको सीधा तो ऊपर भेज नहीं सकते, नहीं तो अगर मतलब जैसे छतरी की तरह होता है पूरा, वो जैसे पैनल होते हैं वैसे काफ़ी बड़ा पैनल होता है। अगर आपने किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है तो बड़ा होगा वो, उसको आप डायरेक्ट तो ऊपर भेज नहीं सकते, सीधा वो टूट जाएगा। उसको फोल्ड करके भेजते हैं, ठीक है, फोल्ड करके भेजते हैं, और जब वो अपनी फिक्स पोजीशन पर पहुँच जाता है उसके बाद वो बाहर की तरफ रोल आउट हो जाता है, जैसे ट्री होता है उसके जो टर्नियाँ होती हैं उसके तरीके से रोल आउट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रोल आउट सोलर एरे। तो रोल आउट सोलर एरे नासा ने भेजा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इससे क्या मतलब एडवांसमेंट हो सकती है, इससे क्या कर सकते हैं हम, जो एडवांस सोलर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं इससे। जैसे जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह स्पेस की एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर, अर्थ के बाहर भेजते हैं हम उनको, तो उनमें एक तो हमें पावर देनी पड़ती है खुद ही, ठीक है, अगर ये वाली टेक्नोलॉजी काम कर जाती है। क्योंकि आप नीचे से जो आप स्पेस में भेजोगे उसके अंदर आप पहले से ही ओपन जो सोलर प्लेट्स होंगी वो नहीं भेज सकते, ये वहीं ऊपर जाके ही खुलेंगी, ठीक है, तो तभी तो रोल आउट का नाम लिखा हुआ यहाँ पे। तो इससे क्या कर सकते हैं, एक एडवांस सोलर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जिससे क्या होगा मतलब उसमें एनर्जी अनलिमिटेड एनर्जी होगी। तो वो अनलिमिटेड एनर्जी होगी तो वो क्या कर सकता है फ्यूचर के अंदर, मतलब नासा इससे क्या करने की सोच रही है, नासा सोच रही है कि कोई भी एस्ट्रॉयड वगैरह है स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पे भेजेंगे एस्ट्रॉयड से, ये कोई उसका जो पार्ट होगा एस्ट्रॉयड का उसको तोड़ के लेके आएगा और उसको ऊपर जैसे मून घूम रहा है उस स्पेस के अंदर फेंक देगा उसको, और उसके बाद हो सकता है कि उसको अर्थ में ले आएं या उसको ऊपर ही चेकअप कर लें उसके बारे में, कि जैसे एस्ट्रॉयड वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे पता चलता है हमें कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कितना टाइम पुराना है, उनकी कंपोजिशन वगैरह पता चलती है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है सोलर आउट सोलर एरे क्या होता है, या क्वेश्चन नहीं भी आ सकता, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है कौन सी है, ठीक है। और ये अगर स्पेस के अंदर कोई भी हम कार्गो वगैरह भेजेंगे तो उसके लिए कॉस्ट कम हो जाएगा इसका, क्योंकि फ्यूल उतना कम लगेगा आपका। नेक्स्ट मूव करेंगे, कार्टोसैट 2 लॉन्च इंडिया पुट अनदर स्मार्ट आई इन द स्काई। तो कार्टोसैट 2 सैटेलाइट, इनके बारे में बेसिक में जो स्पेस का बेसिक डिस्कस किया हुआ है उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है कि कार्टोसैट 2 कौन सी सीरीज़ की सैटेलाइट है और यह क्या काम करती है,
तो ये करंट अफेयर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सेटेलाइट वगैरह आती रहेंगी। अब नेक्स्ट में भी आप वहाँ से उसको अपडेट करके आपको पता लग जाएगा कौन सी सेटेलाइट, अगर आपने बेसिक कवर कर लिया वहाँ से तो उसके बाद फिर कोई भी सेटेलाइट आपके लिए अननोन नहीं रहेगी, आपको पता होना। कार्टोसैट 2 जो है एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, इसको PSLV XL से भेजा गया ऊपर। ये PSLV और GSLV के बीच में डिफरेंस भी वहाँ पर करवाया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आने वाला है ये। और XL क्या होता है, XL इसका एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है PSLV का, ये थोड़ा सा इससे एडवांस है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठा सकता है ये, इसको भी नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो कार्टोसैट 2 एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, ये क्या करेगी, रिमोट सेंसिंग है तो सेंस करेगी जो भी अर्थ के ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनको सेंस करेगी, और इसके इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं जो कि सीन खींचेंगे, ठीक है। और ये है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इनके बारे में भी, ऑर्बिट के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है स्पेस की जो बेसिक वीडियो है उसके अंदर, ठीक है, उससे आपके पूरे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो रिमोट सेंसिंग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो जैसा दो वर्ड हैं, रिमोट प्लस सेंसिंग, तो सेंसिंग मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करना, जैसे आप टच करते हो किसी भी चीज़ को तो आप सेंस कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। बट रिमोट सेंसिंग का मतलब, रिमोट का मतलब हुआ किसी रिमोट लोकेशन से, मतलब आपने उसको डायरेक्टली जो है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है लेकिन उसको सेंस कर लेना है, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ये क्या हो सकता है, जैसे आप इस टाइम वीडियो को देख रहे हो, आपकी आंखें जो है, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, उससे दूर है, तो आपकी आंखें क्या कर रही हैं इस टाइम, रिमोट सेंसिंग, आपकी आंखें रिमोट लोकेशन पे हैं, ठीक है, और ये सेंस कर रही हैं, ठीक है। हमारे ईयर क्या करते हैं, हमारे ईयर जो साउंड वेव्स होती हैं आप बातें सुनती हैं किसी दूर जगह पे हो रही बातों को, तो हम वहाँ जाके टच नहीं करते उस प्लेस को जिस चीज़ को हम सेंस कर रहे हैं, वो वेव्स की फॉर्म में आता है हमारे कान के अंदर, तो हमारे कान क्या करते, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और इसके अगर बड़े एग्जांपल देखो तो आपकी रडार होती है जो एरोप्लेन को जो है पता करती है कहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, या कोई भी और जो स्काई के अंदर ऑब्जेक्ट है, सोनार है, वो सब कुछ रिमोट सेंसिंग कर रही है, तो वो ब्रॉड टर्म है। और यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि सैटेलाइट से, सैटेलाइट रिमोट लोकेशन होगी और वो सेंस करेगी नीचे अर्थ के ऊपर कौन कौन से प्लेसेस हैं उसको सेंस कर सकती है वो, तो उसको बोलते रिमोट सेंसिंग। अब PSLV और GSLV के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि कार्टोसैट जो है PSLV XL ने भेजी, तो ये वैसे वहाँ पे डिस्कस किया है, इसको जर्नल सा डिस्कस कर लेते। तो PSLV और GSLV, तो PSLV थर्ड जनरेशन रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है, एंड GSLV फोर्थ जनरेशन है, और ये डिलीवर करता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके बारे में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है वो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे स्पेस के बारे में आपके काफ़ी ज़्यादा डॉट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हो गया जो GSLV है, इसकी पावर ज़्यादा है, मतलब PSLV थोड़ी, इसकी पावर कम है, GSLV की पावर थोड़ी ज़्यादा है। तो जो GSLV है वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर जो है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में फेंकना पड़ता है, तो उसके लिए ये हैवी लॉन्च व्हीकल होता है, ये यूज़ होता है। और इनमें स्टेजेस कौन सी हैं, फोर स्टेजेस हैं PSLV के अंदर, दो सॉलिड दो लिक्विड, ये स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, स्टेजेस क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है वो भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो वो देख सकते हो आप। थ्री स्टेजेस हैं इसके अंदर GSLV के अंदर, थर्ड स्टेज जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। और PSLV के वेरिएंट है डिफरेंट, जो PSLV G है ये स्टैंडर्ड वर्जन है इसका, PSLV C है कोर अलोन, एंड PSLV जो है एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब यहाँ से जब G से लेके XL तक जा रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है वेट उठाने की, ठीक है, कितना वेट लेके जा सकते हैं। वैसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये जर्नल सा कई बार होता है, जैसे PSLV कौन से PSLV से भेजा इसको, तो वहाँ पे आपको मतलब क्लियर हो जाएगा न्यूज़पेपर में पढ़ते वक्त। फिर आ गया GSLV के तीन हैं, Mach 1, Mach 2, Mach 3, ठीक है, Mach 3 सबसे पावरफुल है, रिसेंट में टेस्ट किया हुआ इसको भी, ठीक है। फिर आते लॉन्च व्हीकल के टाइप, लॉन्च व्हीकल भी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले SLV था, उसके बाद ASLV आया, फिर PSLV और GSLV, अब GSLV Mach 3, ये लेटेस्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए पूरी इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, कितना वेट उठा सकते हैं ये, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। फिर आ गई हमारी ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा है इसकी, ठीक है, साउंड की स्पीड जो होती है उससे ज़्यादा स्पीड से चलती है। क्रूज़ मिसाइल है, क्रूज़ हमने डिस्कस किया था कि गाइडेड मिसाइल होती है, जो स्टार्टिंग से एंड तक गाइडेड होती है, और इसको डेवलप किया है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है जिसने डेवलप किया हुआ इसको। नाम इसका ब्रह्मोस कैसे पड़ा, ब्रह्म जो ब्रा है इस, ये पड़ा ब्रह्मपुत्र जो इंडिया की नदी है, और मॉस पड़ा इसका मॉस्कोवा रिवर जो रशिया की रिवर है उससे, और ऑपरेट करती फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, एक मतलब ये गाइडेड होती हैं पूरे तरीके से, उसके आपने एक बार टारगेट को सेट कर दिया उसके बाद ये टारगेट का पीछा करके मारेंगे इसको, तो उसके ऊपर काम करती है। और कैरिंग कैपेसिटी इसकी 300 kg, याद करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पीड इसकी 3 Mach है, 3 times the speed of sound,
उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है। अब आया मैक्सिमम रेंज, इसकी 290 थी। अभी इंडिया जो है MTCR का मेंबर बन गया है, जो मिसाइल कंट्रोल रिजीम है, ठीक है। तो अब इंडिया, उससे पहले इंडिया 300 किलोमीटर के ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकता था, ठीक है। तो अब इंडिया को डेवलप करने का मौका मिल गया है, तो अब इंडिया क्या करेगा, अब इसकी रेंज को ऊपर बढ़ा रहे हैं इंडिया और रशिया मिलकर। और ये टू स्टेज मिसाइल है, फर्स्ट सॉलिड स्टेज है एंड सेकेंड रैमजेट लिक्विड प्रोपेलेंट की स्टेज है। इनके बारे में भी आपको डिटेल से डिस्कशन मिल जाएगी वहाँ पे। और इसको आर्मी और नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया है। तो बेसिकली याद रखना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और उसके बाद फायर फॉरगेट के प्रिंसिपल काम करती है। 290 किलोमीटर अभी रेंज है, और इसकी न्यूज़ आई थी कि इंडिया रशिया एग्री हो गए कि डबल कर देंगे इसकी रेंज 290 से 600, क्योंकि इंडिया MTCR का मेंबर बन गया है। फिर आती सिम्बैक्स। सिम्बैक्स क्या है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी की। तो ये जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो सभी जो हमारी इंडियन नेवी की होगी, आर्मी की होगी, एयरफोर्स की होगी, जो भी हमारी एक्सरसाइजेज होंगी, उनको एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आया लेज़र बॉल कवच। तो लेज़र बॉल का कवच कैसा है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, यहाँ से लेज़र बॉल का एक कवच बना हुआ है। तो क्या होगा, जब कोई यहाँ से इंट्रूजन टेररिस्ट वगैरह अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो उनका पता लग जाएगा पहले ही कि यहाँ से अंदर आया है कोई, ठीक है। टेररिस्ट को पता नहीं लगेगा कि वो उनका पता लग गया है, लेकिन हमें पता लग जाएगा, डिटेक्ट कर लेंगे कोई इंट्रूजन और रिलेइंग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। नियरेस्ट पोस्ट पे जैसे टेररिस्ट वगैरह एंटर हो रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, एक डिफेंस लो टी उन्होंने बनाई हुई है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग है ये। यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ जैसे वर्ड को अगर आप तोड़ेंगे, इंटरनेट और थिंग, कोई भी थिंग है, ठीक है, एक बेसिकली कंप्यूटर वगैरह चला हुआ है, जब उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके, दो तीन कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, या कंप्यूटर, फिर हमारे CCTV कैमराज वगैरह, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करके एक आप पूरा नेटवर्क बना दोगे, उसको बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब कोई थिंग्स हैं, उनको इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये इंडिया बॉर्डर को सेफ गार्ड करने, बेसिकली आपको याद रखना कि इंडिजिनस है लेज़र वॉल क्वच, और आप पता ही है कि लेज़र किस तरीके से ये अगर कुछ इंट्रूजन वगैरह होगा उसको डिटेक्ट कर लेंगे। फिर आता रैनसम वेयर अटैक। तो रैनसम वेयर अटैक हुआ था 2017 की बात है, रैनसम वेयर अटैक। और रैनसम वेयर होता क्या है, रैनसम वेयर एक मालवेयर टाइप है। अब मालवेयर क्या होता है, मालवेयर मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें मतलब एक सॉफ्टवेयर है मालवेयर, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर। मालवेयर कुछ भी हो सकता है, वायरस भी मालवेयर का एग्जांपल है, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हो गए, ठीक है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, या ये रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर का मतलब, रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। तो जिस भी कंप्यूटर को ये रैनसमवेयर जकड़ लेगा, जिस कंप्यूटर के अंदर ये पहुंच जाएगा, जैसे फाइल वगैरह, आपकी ईमेल वगैरह, उनके थ्रू ये पहुंच जाएगा किसी भी कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर में जब ये पहुंचेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, उसकी फाइल जो होंगी उनको एनक्रिप्ट कर देगा ये, उनको लॉक कर देगा, उनको बोलेगा कि आप इतने पैसे दो, रैनसम दो, इतनी फिरौती दो, तभी हम इसको खोलेंगे। अगर नहीं देंगे फिरौती, तो जितना टाइम आप इन्होंने दिया होगा, उसके बाद आपका पूरा डाटा उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है, अपने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट रखना, विंडो को अपडेट रखना, ठीक है। तो जो जिन विंडो को अपडेट नहीं किया गया था, अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हुई थी, उनके अंदर रैनसमवेयर का अटैक हुआ था। और नाम क्या था उसका, रैनसमवेयर का, रैनसम तो एक जर्नल सी टर्म है ना, रैनसम फिरौती लेना, तो रैनसमवेयर था ये, वानाक्राई नाम था उसका। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हो गए हैं, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए रैनसमवेयर अटैक क्या होता है। तो नेक्स्ट होता आता हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB राइज इन इंडिया। तो हमने ड्रग की रेजिस्टेंस होती थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है, टॉपिक सेम है, वैसे ही रेजिस्टेंस हो रही है, लेकिन टीबी के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, मल्टी ड्रग हो जा रही है, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ड्रग्स के बारे में, जो दो कॉमनली यूज ड्रग होती टीबी को ट्रीट करने के लिए, जैसे आइसोनाइजेड एंड रिफैम्पिसिन, ठीक है, ये दो ड्रग हैं, इनके प्रति जो है जो टीबी का बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो करेगा। तो फिर हमें एडवांस लेवल की ड्रग्स को यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मेंस में टीबी वगैरह के ऊपर हेल्थ के इशू में आ सकता है ये, और प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट आती है हमारी मिसाइल स्पाइडर। तो स्पाइडर मिसाइल है सरफेस टू एयर, इंपॉर्टेंट है कि सरफेस से एयर पे मार करती है ये, और इसराइल से हमने एक्वायर किया हुआ इसको। तो जो भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी सैटेलाइट सरफेस से एयर है, एयर टू एयर है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि या तो इंडिया ने बनाई हुई है, खुद इंडिजिनस बनाई हुई है,
अगर इंडिया ने बनाई है वो भी पता, अगर नहीं बनाई है तो कौन सी कंट्री से, जैसे फ्रांस से लिया हमने, इसराइल से लिया, यूएस से लिया, रशिया से लिया, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छोटी रेंज की मिसाइल है ये, सरफेस से एयर पे मार करेगी, एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ भी आ रहा है उसको जो है शूट करेगी सरफेस से, और छोटी रेंज में करेगी ये। फिर आती है हमारी डिब्रे, डेरबी। डेरबी एयर टू एयर मिसाइल है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब जहाँ तक हमें टारगेट भी नहीं दिखता वहाँ पे अटैक कर सकती है ये। कैसे, जैसे रडार वगैरह से आपने टारगेट लोकेट कर लिया और विजुअल रेंज से वहाँ तक छोड़ी जा सकती है, कोई भी एरोप्लेन वगैरह जो हमारा तेजस वगैरह हो गया उसमें लगा के इसको छोड़ देंगे, फिर जहाँ पे आदमी भी नहीं देख सकता उस रेंज तक जाके मार कर सकती हैं ये। और इसको बनाया किसने, इसराइली डिफेंस कंपनी रफेल ने बनाया हुआ इसको। तो एयर टू एयर मिसाइल है डेरबी, और इंडिया के पास है ये, इसराइल की कंपनी ने बनाया हुआ है इसको। नेक्स्ट आता हैदराबाद टीम ग्रोज मिनिएचर आई यूजिंग स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। कोई भी स्टेम सेल वो सेल होते जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी बॉडी के ऑर्गन में बदल सकते हैं, किसी भी बॉडी का ऑर्गन का सेल बना सकते हैं। जैसे कोई बेसिक सेल है वो क्या करेगा, मतलब कोई ऐसा सेल, वो स्किन के सेल भी बना देगा, ब्लड के सेल भी बना सकता है, वो आई के सेल भी बना सकता है, दिमाग के सेल भी बना सकता है, बेसिकली ब्रॉड टर्म में वो समझ सकते हो। वैसे इसके कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, तो वो आपको इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक में समझ लो कि किसी भी सेल में ये चेंज हो सकता है जो स्टेम सेल होते हैं। लेकिन कुछ इसके अंदर टाइप भी होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक ही टाइप में चेंज हो जाते हैं, जैसे स्किन के सेल हैं वो स्किन के सेल जो है रीजनरेट कर देते हैं, जो स्किन के नीचे सेल होते हैं, आपको चोट लगी उसके बाद स्किन के सेल रीजनरेट कर रहे हैं, स्टेम सेल बना रहे हैं, अपने ही तरीके के स्टेम सेल बना दे रहे हैं, तो उनको भी स्टेम सेल बोलते हैं। और एक जब एक बच्चा होता है, छोटा सा फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बना, ठीक है, तो जायगोट तो आपका एक ही सेल होगा, वहाँ पे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, तो उसमें जब डिवीज़न वगैरह हो रहे हैं तो स्टेम सेल होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि एक ही सेल होता है जो पूरी बॉडी के सेल को बना सकता है, तो उसको स्टेम सेल बोलते हैं। इससे क्या किया इन्होंने, एक मिनी आई बना दी इन्होंने, ठीक है। आई अब कुछ भी बना सकते हैं स्टेम सेल से आप, ठीक है। स्किन के सेल बना दिया आपने, स्किन कहीं पर अगर आपको बर्न की इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप स्किन के सेल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। अगर जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, आपके नर्व जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो रहे हैं, तो आप न्यू सेल बना सकते हो अपने ब्रेन के लिए स्टेम सेल का यूज़ करके, ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म उसी पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है वहाँ से ले सकते हैं आप स्टेम सेल को, दूसरा अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म, अडल्ट जो ह्यूमन बींग होता है उसको भी ले सकते हैं। जैसे बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं तो बोन मैरो स्टेम सेल होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करते हैं और वो ब्लड क्रिएट करते हैं दूसरे ह्यूमन के अंदर में, ठीक है। तो ब्लड के लिए भी जैसे आपको पता होगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी मरते रहते हैं, थोड़ा टाइम के बाद मर जाते हैं, तो न्यू सेल जो बनने होते हैं ब्लड के अंदर भी न्यू सेल बनते रहते हैं, उनको जो सेल बनाते हैं उनको भी स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पे टर्म क्या यूज़ हो रही है कि इन्होंने आई बनाई, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आई बनाई इन्होंने, ईयर बनाया कुछ भी, इंपॉर्टेंट है ये टर्म इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मतलब जो किसी भी स्टेम सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर चेंज हो रहा है, या तो लीवर सेल भी बना सकता है, ये आरबीसी बना देगा, डब्ल्यूबीसी बना देगा, ऐसा सेल, बट टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है इंड्यूस्ड, मतलब कोई नॉर्मल सा सेल था उसको इंड्यूस करके हमने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना दिया। अब किया क्या हमने, जैसे स्किन का कोई सेल लिया उसको हमने इंड्यूस करके उसको, जैसे हमने जो यमुनाका जीन के बारे में आई थी न्यूज़, ठीक है, यमुनाका जीन के लिए नोबल प्राइज़ मिला था, उसकी बात हो रही थी, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल से सेल हैं, कोई भी स्किन का सेल ले लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या किया, फिर से इंड्यूस करके, चेंज करके उसको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना दिया, उसको ऐसा सेल बना दिया जिससे कि कोई भी सेल बनाया जा सकता है, मतलब स्किन सेल से प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाया, प्लूरीपोटेंट जो है आई में चेंज हो सकता है, आई के सेल बना देगा ये, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। एक तो स्टेम सेल नेचुरली होते हैं जो बॉडी के अंदर होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेम सेल हैं भी नहीं उनको इंड्यूस करके स्टेम सेल बना दे रहे हैं, फिर उनसे वही काम करवा रहे हैं जो स्टेम सेल करता है, तो उसको बोलते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, कंसेप्ट है इम्यूनो सुप्रेसेंट। बात क्या हो रही, अगर आपकी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, आपने किसी और का ऑर्गन लेना है, तो आपकी बॉडी क्या करती, कोई भी फॉरेन एंटिटी आती है उसके प्रति जो है रिएक्शन शो करती है कि ये ऑर्गन जो है मेरा अपना नहीं है, तो मतलब उसको इशू क्रिएट कर सकती है उसके प्रति। तो यहाँ पे क्या करते, इम्यून सिस्टम जो है इशू जो है उसको फौरन डिटेक्ट कर लेगा कि ये मेरा ऑर्गन है नहीं, और उसके ऊपर अटैक कर सकता है वो, तो इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने के लिए इम्यूनो सुप्रेसेंट देते हैं उस पर्सन को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है सुप्रेस हो जाए और जो ऑर्गन है उसके ऊपर अटैक ना करे, और थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। बट अगर आपने, और इससे क्या कर सकते हो आप, इस टेक्निक से आप क्या करोगे, अगर
आपने किसी का ट्रांसप्लांट करना है, किसी के स्किन सेल ट्रांसप्लांट करना है या आई का ट्रांसप्लांट करना है, तो आप उसका स्किन सेल लोगे या कोई और सेल ले लिया आपने, उसको इंड्यूस करके प्लोरिपोटेंट बना दिया, उसको प्लोरिपोटेंट बना के उसके बाद उससे आई बना दी। अब वो उसी का सेल है, उसी के सेल की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, उसको ही हमने स्टेम सेल बना के फिर से आई बना दी उसी उसकी। तो अब उसकी बॉडी नहीं बोल पाएगी कि ये फॉरेन से लेके आए हैं, मतलब बाहर से लेके आए आई वगैरह, तो आई उसी के सेल से बना दी हमने फिर से। तो अब इम्यूनो जो सुप्रेसेंट है इनकी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सेम ऑर्गेनिज्म है, सेम पर्सन है, उसी के सेल को यूज़ करके नया ऑर्गन बना दिया हमने। नेक्स्ट आएंगे हम बिग डाटा के ऊपर। तो न्यूज़ थी हमारी, बिग डाटा का यूज़ कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2017 में भी लेबर माइग्रेशन वगैरह डाटा जो है इकोनॉमिक 2017 में भी यूज़ हुआ था, लेबर माइग्रेशन का डाटा यूज़ किया था, और काफ़ी बड़ा डाटा होता है, ठीक है, बिग डाटा के बारे में पढ़ेंगे कि बिग डाटा होता क्या एक्चुअल में, तो उसमें भी यूज़ किया था। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में इसका यूज़ बढ़ रहा है, ये न्यूज़ आई थी। तो एक्चुअल में बिग डाटा क्या होता है, जो जर्नल कंसेप्शन है उसके हिसाब से तो एक लार्ज वॉल्यूम का डाटा होता है, लेकिन एक्चुअल में बिग डाटा क्या है, एक ऐसी लार्ज वॉल्यूम का डाटा, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे अगर आपने किसी कंपनी वगैरह का डाटा है, स्ट्रक्चर डाटा उनका कौन सा हो सकता है, जिसमें उनको पूरे स्ट्रक्चर से बना मिलके बनाया हुआ, कितनी सेल हुई उनकी, कितने पर्सन ने कितने खरीदा उनका प्रोडक्ट वगैरह। अनस्ट्रक्चर्ड में जैसे सोशल मीडिया का डाटा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जो रिसोर्सेज हैं वेरियस रिसोर्सेज से वहाँ से लिया हुआ उन्होंने, तो कोई भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो कि बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर टूल, जो हमारा कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, ऐसा कोई भी डाटा जो कि उसके नॉर्मल कैपेसिटी से काफ़ी बड़ा हो और विद इन अ टॉलरेबल एक्लिप्स्ड टाइम में वो उसको पूरा ना कर पाए। जैसे अगर एग्जांपल दें, छोटी सी लेवल का एग्जांपल हो सकता है आपकी जीमेल, आपकी जीमेल के अंदर 25 एमबी से ऊपर का डाटा आप उसमें भेज नहीं सकते, तो आपकी जीमेल के लिए वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, तो आपकी जीमेल के लिए वो बिग डाटा हो सकता है, ठीक है, उसमें, और वो उनको ठीक कर पाएगा, लेकिन एक टाइम होता है, मतलब उतना टाइम में उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो, उसको बोलते हैं बिग डाटा। अब इसको बड़े कंसेप्ट में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लार्ज वॉल्यूम की डाटा जिसको जो हमारे कंप्यूटर वगैरह हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर उन उसको टाइम ज़्यादा दें, जैसे एक दो दिन दे दिए, तो वो प्रोसेस कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो उस डाटा को बोलेंगे बिग डाटा। अब बिग डाटा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे फेसबुक होगी, यूट्यूब होगी, इन पे क्या हो रहा, हर घंटे लोग कितने हज़ारों जो है लाखों लोग यहाँ पे कोई ट्वीट कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल सॉफ्टवेयर से उसको एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो उस डाटा को बोलेंगे बिग डाटा। उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होगा, जो हाई पावर का कंप्यूटर सिस्टम होगा, तो उसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज ए बिग डाटा। तो बिग डाटा की क्वालिटीज़ हो सकती हैं कुछ, एक तो बिग डाटा काफ़ी बड़े वॉल्यूम के अंदर होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम काफ़ी, डाटा साइज काफ़ी बड़ा होगा, और सेकंड हो गया उसका, जैसे जीमेल का एग्जांपल भी बिग डाटा का एग्जांपल है, लेकिन जो हम यहाँ पे कंटेक्स्ट ले रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में कंटेक्स्ट लेते हैं उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें होता वॉल्यूम, एक तो उसका लार्ज डाटा होता है, उसको भी बिग डाटा, एक लार्ज डाटा होगा, और वेलोसिटी उसकी जो स्पीड होगी काफ़ी चेंज होती है, जैसे यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा वीडियो एक घंटे के अंदर अपलोड हो रही है, ठीक है, जो फेसबुक है हमारा उसमें भी 100 टेराबाइट का जो डाटा है एक दिन के अंदर प्रोसेस होता है, और उसकी वैरायटी होगी डिफरेंट फॉर्म का डाटा, जैसे फ़ोटो हो गया, कुछ लाइक्स हो गए, आपके कमेंट्स हो गए, तो वो अलग अलग टाइप का डाटा, और वेरेसिटी, और एक अनसर्टेनिटी होती है डाटा में कि करेक्ट है वो कि इनकरेक्ट है, जैसे कोई कंपनी, एक सर्वे हुआ जिसमें कंपनियां जो डाटा यूज़ कर रही हैं, जो बिग डाटा पूरा यूज़ कर रही हैं सोशल मीडिया से उठा के, उनकी कंपनी को कितने लाइक मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्या बात हो रही है, कितने पर्सन ने उनका पेज ओपन किया, कुछ भी, उसमें से जो 25% डाटा था वो फॉल्स था, ठीक है, वो उन्होंने गलत सोर्सेज से लिया था, तो ये डिफरेंट करेक्टर हो सकते हैं बिग डाटा के। और बिग डाटा को यूज़ कैसे कर सकती हैं कंपनी, क्या कर सकती, कस्टमर का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उनका यूज़ कर सकती है बिग डाटा का, टेक्नोलॉजी का, डिफरेंट जो उनकी, मतलब पर्सन चाहता क्या है एक्चुअल में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बिग डाटा का यूज़ कर सकती है। वो क्या करेंगे, उनकी ओन ट्रांजेक्शन जो भी हुई होनी, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह ने कोई भी अपनी ट्रांजेक्शन की हुई है, और जो सोशल मीडिया पे डाटा वगैरह है उनका, मतलब जो पर्सन है वो कौन सी, जैसे फेसबुक वगैरह से कौन सी एज के पर्सन कौन सा जो है उनका प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, उससे वो एक तरीके से टेलर मेड प्रोडक्ट दे सकते हैं किसी पर्सन के लिए, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनकी कंपनीज, और उसी तरीके से वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। दूसरा हो सकता है बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या हो सकता है, जैसे सप्लाई चेन डिलीवरी होती है किसी पर्सन की, उसको
उन्होंने प्रोसेस कर देना है, जो लाइव ट्रैफिक अपडेट है उसके हिसाब से प्रोसेस कर देना, और उसी हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे अपना पूरा बिजनेस। तो ऑप्टिमाइज़ कर दे रहे हैं एक तरीके से, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उनके खर्च होने थे उनको ऑप्टिमाइज़ कर दे रहे हैं वो, तो वो काम कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ हो सकता है, न्यू क्योर ऑफ कैंसर, जैसे कोई भी डिजीज़ वगैरह है एक तो उसके डायग्नोसिस में भी यूज़ हो सकता है, कि कौन से जैसे किसी पूरी जैसे कंट्रीज का हेल्थ केयर डाटा है उसको अच्छे से प्रोसेस किया, उसके बाद पता किया पैटर्न कौन कौन से प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजीज़ जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है, कुछ भी मतलब उस तरीके से प्रोसेसिंग की ली कर लिया आपने, या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है जैसे कैंसर हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया, उसके उसका जो है बिग डाटा आपने काफ़ी बड़ा डाटा स्टोर कर लिया हुआ है, और उसके बाद जैसे कैंसर वगैरह पेशेंट है उसको सेंसर वगैरह लगा के उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके डायग्नोस किया जा सकता है कि कैंसर है पर्सन को कि नहीं है पर्सन को कैंसर। और ह्यूमन का जो जीनोम होता है, जीनोम भी मतलब ह्यूमन का जीनोम होता है, एक पर्टिकुलर सेल होता है ह्यूमन में, उसमें जितना भी जीन पूल होगा उसका एक पर्टिकुलर सेल में जितने भी जीन होंगे उसको बोलते हैं जीनोम। तो उसको प्रोसेस करके डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके एक पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढ के कैंसर का इलाज भी ढूंढा जा सकता है। तो आपको टेक्निकल डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको रट्टा मार लेना, मेंस के अंदर काम आ सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आपने ये जो है लिख देने कि किस तरीके से क्योर कर सकता है कैंसर, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल कंसेप्ट है, थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी मिक्स करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी टिपिकल कंसेप्ट हो जाते हैं, तो समझ ना आइए तो आप इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। और आ रहा कि बिग डाटा कैन बी यूज टू एनालाइज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है स्पोर्ट्स पे काम कर रहा होम पे या वर्क पे, उसमें सेंसर लगा देंगे, उस सेंसर से डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा उसकी बॉडी का लेके उसको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है कि उस पर्सन को क्या ज़रूरत है, किस तरीके से उसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसका बिग डाटा का यूज़ है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि बिग डाटा वो डाटा है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होती है उतने में प्रोसेस करना होता है, जैसे ये अगर परफॉर्मेंस सेंसर का डाटा है, इसको अगर कोई कंप्यूटर जैसे नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो प्रोसेस तो कर लेगा लेकिन काफ़ी टाइम लगाएगा इसको प्रोसेस करने में, लेकिन बिग डाटा हमने बात की इसके तभी तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई पावर के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और कंप्यूटर यूज़ हो रहा है प्रोसेस करने के लिए। और पुलिस फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस प्रिवेंट कर सकती हैं साइबर अटैक, डिटेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फॉइल टेररिज्म, इवन प्रिडिक्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है, बिग डाटा क्या हो सकता है, एक पूरी कंट्री के लेवल के ऊपर आपने जो इन माइग्रेशन हो रही है, आउट माइग्रेशन हो रही है, कौन कौन से किस कंट्री से कितने पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, कौन से प्लेस के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है, या कुछ मतलब आपके पूरे कार्ड का डाटा वगैरह कोई भी डाटा सब कुछ को इकट्ठा मिला के कोई एक पैटर्न फॉर्म करेगा बिग डाटा की एनालिसिस करके, पूरे बड़े से डाटा के स्टोर को उससे कुछ एनालिसिस बनाएगा कि इस प्लेस से जैसे बना दिया कि केरला से जो है केरला में एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आईएसआईएस की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे फ़ोन कॉल वगैरह जो है मिडल ईस्ट ज़्यादा आ रही हैं या कोई कोई कनेक्टेड है उस पर्सन से, तो उतना बड़ा डाटा को एनालाइज करके जो ह्यूमन की कैपेसिटी से बाहर है उसको एनालाइज करके कोई पैटर्न बता सकते हैं, ये साइबर अटैक में भी, इसमें टेररिज्म वगैरह एक्टिविटीज़ में भी। और नीति आयोग ने आइडिया दिया कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बनाएंगे बिग डाटा का यूज़ करके, जैसे बिग डाटा का यूज़ करके आप टेलर मेड पॉलिसीज़ दे सकते हो किसी पर्टिकुलर प्लेस को, पूरी इंडिया का एनालिसिस कर लिया, जैसे हेल्थ केयर का ही एनालिसिस कर लिया, जिस एरिया में जिस जो बीमारी ज़्यादा है उसको उसी तरीके की वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज बनाएंगे, जिस एरिया में जितनी ज़्यादा गरीबी है, जिस एरिया में ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, वो उसी तरीके से टेलर मेड जो है हम प्रोसेसेस बना सकते हैं, और बाद में जो पॉलिसी होगी उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि वहाँ पे कम एक्चुअल में गरीबी कम हुई, हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो चैलेंजेस हमने देख लिया कि बिग डाटा एक्चुअल में हमें सिस्टम चाहिए, एक तो बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए और ऊपर से रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो भी डाटा है आपका। अब मान लो कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे हेल्थ के लिए कोई जा रहा है लेकिन कोई जो बाबे हकीम वगैरह उनसे दवाई ले ले रहा है तो वो तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही ट्रांजेक्शन में, तो बिग डाटा वो डाटा ही नहीं हमारे पास आ रहा है, तो फिर उसके बाद हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उसका। और दूसरा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हर जगह पे, एक तो डाटा मैनेज करने का जो आ रहा है हॉस्पिटल वगैरह में डाटा मैनेज करने का उसको, और एक तरीके से प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अभी। सेकंड है कि जो भी बिग डाटा होता है उसका मेन एक सबसे बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूसली इवेल्युएट करना पड़ेगा फीडबैक से, मतलब उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा जो भी आपका डाटा वगैरह होगा, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए न्यू डाटा चाहिए हर बार के लिए, मतलब हमारे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होने चाहिए जहाँ पर डाटा कलेक्शन होती है, तो वो चैलेंज हो गया। और तीसरी बात है कि अगर डाटा कहीं भी आ रहा है तो डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात हो रही, इतना बड़ा जो डाटा आप यूज़ कर रहे हो, कोई कंपनियां यूज़ कर रही हैं, कुछ भी यूज़ कर रही, तो वो किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकती हैं, ह्यूमन के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, या किसी की प्राइवेसी, किसी का डाटा चुरा सकती हैं, क्रेडिट कार्ड का डाटा चुरा सकती हैं, तो वो सब कुछ भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट आता हमारा प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, तो ये प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा
डीप जाएंगे हम तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े साइंटिफिक कंसेप्ट आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यूज़ के अंदर रहता ही है, और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में रहेगा ही, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है GS3 के अंदर, या आपको ऐसे भी प्रीलिम में पूछ सकते हैं एक छोटे मोटे पार्ट में, सिंपल सा पूछेंगे प्रीलिम में, लेकिन आपको मेंस को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव है क्या, इसमें करेंगे डीप लर्निंग एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म, एक्सीलरेटर का मतलब उसको बढ़ाना है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड देनी है उसको, फॉर रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे दो टर्म आपको जो समझनी है, डीप लर्निंग और रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी जैसे मशीन है उसको इंटेलिजेंट बनाना, जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे उनको सोचने की शक्ति देना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे वो खुद डिसीजन ले सकें किसी पर्टिकुलर प्लेस में। तो यहाँ पे क्या बात हो रही कि रियल टाइम में, रियल टाइम में ये प्रोजेक्ट चलाया माइक्रोसॉफ्ट ने कि रियल टाइम के अंदर उनको इंटेलिजेंट बनाना है हमने। पहले रियल टाइम को समझते हैं, रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप किसी भी मशीन को सोचने, और जैसे बात कर रही है कोई मशीन किसी के, रोबोट वगैरह बात कर रहा है किसी ह्यूमन के साथ में, इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल मशीन। जैसे बात कर रहा है वो कोई भी रोबोट वगैरह, जैसे हिंदी में बात कर ली, जैसे मेरे से बात कर रहा है कोई भी रोबोट, किसी बैंकिंग जो बैंक है हमारा वहाँ पे लगा हुआ है और मेरे से बात कर रहा है, और ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल टाइम का मतलब अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगी कैसे, अगर मैंने उससे कुछ ऐसा काम बोल दिया जो इसको पता नहीं है जो रोबोट है, या मैंने कुछ ऐसी बात कर दी जो शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको वो समझ नहीं आएगा, उसके बाद उसको अपग्रेड करके धीरे धीरे वो बेटर होता जाएगा। पर वो जो ट्रेडिशनल काइंड का सिस्टम होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कर रहे, रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहे, मतलब कि अगर रोबोट है उसके साथ मैंने बात की, उसको समझ नहीं आया वो वर्ड, पर वो अपना सिस्टम जो है डीप लर्निंग करेगा। वो डीप लर्निंग का मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि जैसा ह्यूमन का ब्रेन होता है वैसा ही ब्रेन लगाएंगे हम जो रोबोट होगा, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आगे। तो क्या कर रहे, रियल टाइम के अंदर वो उसको प्रोसेस करके वो जो मैंने बोला होगा उसके कंटेक्स्ट से समझने की कोशिश करेगा, वो मतलब रियल टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी लगा के, कुछ ना कुछ सोच के, मतलब जैसे ह्यूमन तुक्का लगा सकते हैं वैसे वो तुक्का लगा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक ऑटोनोमस कार भी है आपके पास, उसमें आपको आपने उसको बताया नहीं है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कोई काफ़ी मतलब टिपिकल सी सिचुएशन आ गई, जैसे कोई ब्लास्ट हो गया, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया कि ब्लास्ट क्या होता है, किस तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगी, जो इसके पास रियल टाइम का मतलब है कि रियल टाइम में ये जो भी इसके पास नॉलेज वगैरह होगी उसको कनेक्ट करके कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकाल के रियल टाइम में उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ह्यूमन जैसे कर सकते हैं वैसे करने की बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब डीप लर्निंग के बारे में जाएंगे तो सबसे पहले आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सबसे पहले द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट बनाएंगे मशीन को। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम, रोबोट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसको इंटेलिजेंटली थिंक करने की बात हो रही, मतलब जैसे ह्यूमन सोचते हैं इंटेलिजेंटली वैसे ही ये थिंक करेंगे और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाएंगे, उसको बोलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन इंट्यूशन लगाता है, जैसे ह्यूमन की अंदर की गट फीलिंग होती है, कॉमन सेंस होती है ह्यूमन की, जजमेंट कर सकता है, क्रिएटिविटी होती है ह्यूमन की, बिलीफ होते हैं, वैसे ही इसके अंदर हमने क्रिएट करने हैं, जो भी हमारा रोबोट होगा या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्रिएट करने हैं ताकि वो खुद सोच सके। और जैसे ह्यूमन की एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की किसी के साथ में, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब कुछ हम उस कंप्यूटर के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन की तरह उसको सोचने के लिए जो है कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोग्रामिंग करेंगे उस तरीके से, जैसे ह्यूमन अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं हम, वो जो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को बताया भी नहीं कि ये करना है, लेकिन वो क्रिएट करके खुद ही नए नए तरीके निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे आता सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ब्रॉड टर्म होगी पूरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रॉड टर्म होगी पूरी, जो हमने बताया कि जिसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं मशीन। और उसके अंदर मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती जाएगी, और उसको और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते जाएंगे, मतलब माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे, और डीप लर्निंग के अंदर उसको ह्यूमन की तरह ब्रेन बनाएंगे उसके अंदर, कि वो उस तरीके से सोच सके, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब पढ़ेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है इसके दो टाइप होते हैं, एक होती अप्लाइड, दूसरी होती जर्नल। अप्लाइड के अंदर क्या होता है, हम जो
हमारा रोबोट वगैरह है उसके अंदर प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, अप्लाई करके बताया कि आपको किस किस तरीके से आपको जो है बिहेव करना है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है, आपको ये करना है वो करना है, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा, नॉर्मल सी जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के लिए यूज़ होती, शेयर के लिए यूज़ होती, या कुछ ऑटोनोमस व्हीकल होते हैं जिनको बताया है कि इस तरीके से यहाँ पर टर्न करना है, ये चीज़ आएगी तो ऐसा करना है, आगे व्हीकल आएगा तो ब्रेक मारनी है, वो आपने उसको बता दिया, वो होगी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक होती जर्नल, जर्नल का मतलब है सिस्टम और डिवाइसेस विच कैन इन थ्योरी हैंडल एनी टास्क। एनी टास्क का मतलब ये नहीं कि वो उड़ जाएंगे स्पेस में या कुछ भी कर देंगे, बम फोड़ेंगे, एनी टास्क का मतलब कि यहाँ पे आप व्हीकल चला रहे ऑटोनोमस और उसमें कुछ ऐसी बात आ गई जो कि उसको पता ही नहीं है, उसने देखी नहीं है कभी भी कि आगे से कोई ट्रक आके, जैसे उसको बताया नहीं है पहले से, उसके ऊपर एयरक्राफ्ट ही गिर जाता है तो उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, मशीन को क्या करेगी वो। नॉर्मल सी इसको तो पता चलेगा नहीं कि क्या हुआ, ये तो खत्म, सिस्टम उसका हैंग हो जाएगा, लेकिन जर्नल में क्या करेंगे आप उसको सिखाएंगे कि वो खुद ही वहाँ पे अपने तरीके से दिमाग लगा के आगे निकलेगी। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को नहीं भी बताया आपने कि एयरक्राफ्ट उसके जो है सिर के ऊपर गिर जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भागना चाहिए वहाँ से, अगर वो बच गया तो कि क्या निकलना चाहिए बाहर, उसको नहीं भी बताया तो वो कर सकता है वहाँ पे। तो मशीन को भी वैसे इंटेलिजेंट बनाना कि वो अपनी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग देखेंगे, जो मशीन लर्निंग है इसमें दो बेसिक प्रिंसिपल आ रहे हैं। एक तो मशीन को बताना हमने कि कैसे थिंक करते हैं, नॉर्मल जो अप्लाइड में था उसको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है तो उन्हें ऐसे ऐसे करेगी तो मशीन को। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर, यहाँ पे हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जैसे डीप लर्निंग की ओर जाएंगे टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, मतलब काफ़ी टिपिकल टेक्नोलॉजी हो जाएगी और ज़्यादा वो नई नई क्रिएटिविटी कर सकती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नीचे सब टाइप ही हैं। तो हमने देख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो टाइप की, अप्लाइड, जर्नल। अप्लाइड के अंदर क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सा उसको हमने बता दिया हुआ कि ये करना है आपने, ठीक है, उस तरीके से उन्हीं पैटर्न के अंदर वो काम कर रही है, जैसे स्टॉक शेयर कर रही है, ऑटोनोमस व्हीकल चल रहे, और जर्नल के अंदर मशीन लर्निंग कर रही है, वो खुद लर्न करके वो सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। तो मशीन लर्निंग में दो काम उसको सिखाएंगे, एक तो हम क्या करेंगे उसको सिखाएंगे कि किस तरीके से सोचना है तूने, और दूसरा हम बोलेंगे उसको पूरी छूट देंगे कि वो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को एनालाइज कर सके। जैसे मशीन लर्निंग के अंदर क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता है आपने साइक्लोन की प्रिडिक्शन करनी है, कहीं पे साइक्लोन को प्रिडिक्ट करना है एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो आप मशीन लर्निंग को क्या बोलेगे, एक तो उसको फुल फ्रीडम होगी कि वो खुद सोचेगी उसके बारे में, उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम फीड नहीं होगा, तू ऐसा करना है वैसा करना है, वो अपना जो डाटा होगा उसको एनालाइज करके खुद थिंक करेगी, और उसको एक लार्ज डाटा बेस प्रोवाइड कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के पूरा डाटा होगा उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्शन दिलवा सकते हैं जिससे कि उसके पास काफ़ी बड़ा डाटा हो जाए, उसको प्रोसेस करके वो खुद सोच के रिजल्ट देगी आपको कि साइक्लोन होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर वो गलत होगी उस टाइम तो क्या करेगी, अगली बार को सीखेगी कि पिछली बार मैंने ऐसी गलती की थी, तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, मशीन लर्न कर रही है। मींस कोड देम टू थिंक लाइक ह्यूमन एंड देन प्लग देम टू इंटरनेट इन टू द इंटरनेट टू एक्सेस देम ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। ह्यूमन की तरह वो थिंक करेगी और उसके बाद उनको इंटरनेट से पूरा डाटा ले सकते हैं वर्ल्ड का, तो और रीजनेबल तरीके से वो अच्छे से अपना डाटा प्रोसेस करके एक अच्छा डिसीजन दे सकती हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग क्या होती, मशीन लर्निंग के अंदर चले जाएंगे सोफिस्टिकेटेड वे में टेक्नोलॉजी, उसको बोलेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो मशीन लर्निंग है उसमें डाटा कम होगा आपके पास में, लेकिन जो डीप लर्निंग है उसके अंदर काफ़ी बड़ा डाटा होगा और एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होगा सोचने के लिए। अभी बताऊंगा मैं आपको कि सोचेगी कैसे डीप लर्निंग के अंदर, मशीन कैसे सोच रही है। तो एक सबसेट है, सनसेट नहीं है सॉरी, ये सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूरल नेटवर्क। अब ये टर्म याद रखना, न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में समझेंगे हम। मतलब डीप लर्निंग आप समझ लो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीन लर्निंग से भी एडवांस लेवल पे और नीचे जाके हम कम्प्लेक्स वे में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे जो जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे पूरा जो ब्लू कलर के अंदर लाइन जा रही और नीचे जो अमाउंट ऑफ डाटा है, एक तो वो इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रही है इसकी। मशीन लर्निंग क्या होती, जैसे डाटा जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, रेड लाइन इंक्रीज़ हो रही है आगे की तरफ में, और थोड़ा टाइम आया उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है। मशीन लर्निंग वैसे ही नीचे पड़ जा रही है, उसकी सिस्टम जो है सोचने का सिस्टम उसमें कमज़ोर है, ठीक है। और जो डीप लर्निंग है उसके अंदर सोचने का सिस्टम काफ़ी मजबूत है, जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें सोच कैसे रहा है ये, न्यूरल नेटवर्क से। अब पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, किस तरीके से सोच रहा है ये। तो ये हमारा ब्रेन है राइट साइड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन कनेक्शन है, ये न्यूरॉन सेल होते हैं ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और जो हमारी सोचने की कैपेबिलिटी होते हैं वो न्यूरॉन के कनेक्शन बने होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उससे एनहेंस होती है, वो डिफरेंट कनेक्शन बने होते हैं, उससे हम एक टाइम में डिफरेंट काइंड से एनालाइज करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो वो हमारा न्यूरल नेटवर्क है,
हमारे न्यूरॉन का नेटवर्क। तो मशीन के अंदर भी ऐसा ही नेटवर्क बना दे रहे हैं हम। जो हमारी लेफ्ट साइड है देखो, ये जो दो ग्रे कलर के गोले हैं, यहाँ से डाटा इनपुट होगा, ठीक है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कहाँ से डाटा इनपुट हो रहा है? आईज से, ईयर से देख रहे हैं हम डाटा, ठीक है, या टच से, हाथ के टच से। वो डाटा अंदर जो है न्यूरॉन के अंदर प्रोसेस हो रहा है। न्यूरॉन की तरह ही, जैसे यहाँ पे डब्बू डब्बू कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, वैसे ही अंदर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ हमने मशीन के अंदर ही। वो इन इन पैटर्न से सोचेगी अलग अलग से। इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको थोड़ा सा इजी समझने के लिए। फिर उसके बाद वो आउटपुट देगी। मैं ये मतलब ये बताना चाहता हूँ कि डीप लर्निंग ह्यूमन के ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसी की बेस के ऊपर काम करेगा। और इसके पास एडवांटेज क्या होगी कि इसके पास डाटा ह्यूमन को तो लिमिटेड से नॉलेज पता है, तो वो लिमिटेड सा डिसीजन लेता है। अब डीप लर्निंग में क्या होगा कि ये पूरा जो इंटरनेट से अगर इसको एक्सेस दे दी, तो ये पूरे वर्ल्ड का डाटा जो है एक बार में उसको लर्न करके उससे जो है अच्छा सा अपना मतलब कोई भी डिसीजन वगैरह ले सकता है, या क्रिएट कर सकता है कोई भी चीज़, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये कोई भी चीज़ रिसर्च कर सकता है कोई भी चीज़ इतने बड़े डाटा से। तो ये इसके लाल लाल जो बॉक्सेस हैं, ये इसका ब्रेन है, ठीक है। ये और भी सोफिस्टिकेटेड है, ये सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है कि इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे न्यूरल के कनेक्शन है, वैसे ये कनेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ से डाटा इनपुट होगा और इन कनेक्शन से प्रोसेस होगा ये डिफरेंट काइंड में, और उसके बाद फिर आउटपुट होगी। इसको सिंपल सी एग्जाम्पल में समझेंगे कि किस तरीके से, सिंपलेस्ट वे में समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। ये काफ़ी हमारे पास पिक्चर है, इसके अंदर आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। एक हमारी ये हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास सर्कल है, ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमारे पास एक और स्क्वायर है, ठीक है। ये सारे स्क्वायर हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये स्क्वायर नहीं है, ये जो हमारे चार हैं नीचे, ये रेक्टेंगल हैं। अब हमने क्या बोला कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसमें से ब्लू कलर का, या मान लो कि ये कलर हमारा जो ब्राइट ब्राइट ब्लू कलर है, उसके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं कितने हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से पैटर्न के अंदर सोचता है, ये मैं बताऊंगा कि पैटर्न किस तरीके से हमारा ब्रेन सोचेगा। तो आप नॉर्मल में तो आपको पता लग जाएगा, आप ऐसे गिन लोगे, लेकिन ब्रेन अंदर कैसे वर्क कर रहा है? ब्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वर्क कर रहा है और डिफरेंट काइंड की वे से वर्क कर रहा है। तो नॉर्मल में कैसे वर्क करेगा ब्रेन, वैसे ही इसके साथ में मैच करके बताऊंगा कि ये मशीन कैसे सोचेगी इसको, कि इसने निकालना कि ये जो ब्लू बॉक्स है हमारा, इसने बताना कि ये जो पूरी पिक्चर है इसमें से कितने ब्लू बॉक्स हैं इसके अंदर, एक दो तीन है, ठीक है। तो ये मशीन कैसे सोचेगी, इसको क्या करना है, इसके पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसको सर्कल डिफरेंशिएट करना है, इसको नहीं है पता कि सर्कल सर्कल क्या होता है और किस तरीके से, इसको ट्राइंगल सेपरेट करनी है, इसको रेड कलर भी सेपरेट करना है, और इसको सिर्फ इसी कलर का निकालना है, इसी कलर का। और ये रेक्टेंगल है, इसको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल है, इसको सिर्फ यही चीज़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये कैसे वर्क करेगी, सबसे पहले ये सीरीज़ में वर्क करेगी, सबसे पहले इसमें इनपुट होगी डाटा की। कैसे, मान लो यहाँ इस प्लेस से जो हमारा ग्रे गोला है, यहाँ से पूरा डाटा प्रोसेस एक बार अंदर चला गया इसके, इसने क्या शॉर्ट आउट कर लिया एक बार में कि कलर कौन कौन सा है बॉक्सेस का। सबसे पहले इसने कलर ढूंढना है, फिर इसने देखा कि कितने कितने यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, एक तो यहाँ पे सर्कल है एक हो गया, एक ट्राइंगल है दो, एक लाल कलर का तीन, और भी हैं यहाँ पे तीन चार या पाँच छः जितने भी हो गए। तो इसने मान लो चार यहाँ पे अलग अलग टाइप की शेप्स हैं, इसने सबसे पहले देखा कि कलर देखे कितने कलर हैं यहाँ पे, तो मान लो चार कलर हैं यहाँ पे, चार डिफरेंट कलर हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई एक कलर दो कलर, जैसे ब्लू कलर यहाँ पे चला गया, रेड कलर यहाँ पे चला गया, फिर जो थर्ड बॉक्स आया उसके अंदर जो ग्रे कलर चला गया, फिर जो नेक्स्ट कलर था वो यहाँ पे चला गया। तो ये बॉक्स भर गए एक ही प्लेस से इनपुट होके, अलग अलग जगह शॉर्ट आउट हो गई है। सेकंड में क्या देखेगी, ये देखेगी कि यहाँ पे चार चार जो साइडें हैं वो कौन कौन से बॉक्सों में लगी हुई हैं, चार साइडें, सर्कल वहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, प्रोसेस करेगी इन्फॉर्मेशन, फिर देखेगी चार कहाँ पे लगे हुए हैं, फिर जिन जिन पे चार लगे हैं, मैं मान लो सर्कल कौन से कलर का है हमारा, ये पता नहीं कौन सा कलर है ये, पर इस कलर का है सर्कल, ठीक है। ये कलर हमने डेजिग्नेट कर दिया हुआ है डिफरेंट कलर, यहाँ पे सर्कल है मान लो, ये सेकंड डॉट है, यहाँ पे सर्कल है, बाकी जो तीन है हमारे पास इनके ऊपर अलग अलग कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, ब्लू कलर है। तो जो सर्कल है यहाँ पे हमारा जो सर्कल का कलर है, यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन जाएगी कि चार चार किसके जो शेप्स हैं उनकी चार चार जो भुजाएं हैं, चार चार साइड्स हैं, वो किसकी हैं, तो सर्कल वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डॉट होगा इस पे, इसको पता लग जाएगा कि सर्कल तो नहीं है, तो इसने कैंसिल कर दिया, सर्कल नहीं है इसमें। फिर उसके बाद एक और चीज़ में क्या देखेगी, कनेक्टेड है ये जो चारों लाइनें हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में कि नहीं, उससे एक और डाटा जाएगा यहाँ पे, उसको फिर से ये सॉर्ट आउट करके कनेक्ट कर देगी। तो ऐसे ही ये वर्क करेगा, ऐसे ही ये न्यूरल नेटवर्क पूरा बना हुआ है, ऐसे ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो उसको इमिटेट करेंगे ये, लास्ट में ये देख लेगा कि जो चारों साइडें हैं वो बराबर हैं कि नहीं है, तो उनको देख लेगा, फिर यहाँ से फिर से इन्फॉर्मेशन जाएगी और उस तरीके से शॉर्ट कर देगा ये, फिर देखेगा किसका कलर मैच कर रहा है, किसकी चार साइडें हैं, और उस तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। तो इसको बोलते डीप लर्निंग।
और ये इम्पोर्टेंट है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब इसकी जो यूजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। न्यूरल नेटवर्क ये की है कंप्यूटर को टीच करना कि कैसे थिंक करेगा वो, जैसे हम थिंक करते, हम हमारे ब्रेन में जैसे न्यूरल नेटवर्क हैं वैसे ये थिंक कर पाएगा। और किस इसके पास एडवांटेज क्या है, एक तो इसके पास स्पीड है काफ़ी ज़्यादा, एक्यूरेसी है, लैक ऑफ बायस है, इसके पास बायस नहीं है कोई, जैसे हमें कास्ट रिलीजन क्रीड वगैरह कुछ भी हमारे बायस हैं लेकिन इसको कोई बायस नहीं है। और इसकी स्पीड लाजवाब है, एक्यूरेसी इसकी काफ़ी हाई होगी। और न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको अलग अलग करके, जैसे कलर, पहले कलर को क्लासीफाई कर दे रहा था, फिर डिफरेंट शेप को क्लासीफाई कर दिया इसने, फिर देखा कि डॉट्स जुड़े हुए हैं कि नहीं उसको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग के अंदर, फिर देखा कि शेप सबकी बराबर है कि नहीं उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद उसने पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है सोचा, उसके बाद इसने रिजल्ट निकाला। तो ये क्लासीफाई कर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है मतलब कोई भी इमेज वगैरह क्लासीफाई, ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया, इसको लार्ज स्केल पे भी कर सकता है ये, जैसे ट्रैफिक के कंट्रोल के अंदर आपने इसको लगा दिया डीप लर्निंग की मशीन को, तो ये पर्टिकुलर आपकी नेम जो वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस हुई होंगी, जितनी भी गाड़ियाँ क्रॉस होंगी, एक जो CCTV का डाटा है उसको मिनटों के अंदर, मिनटों नहीं सेकेंडों के अंदर एनालाइज करके बता देगा कि कौन सी गाड़ी कौन से कलर की कौन सी कंपनी की है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से पास हुई, क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा बता सकती है ये मशीन। तो ये लास्ट स्केल पे पूरे वर्ल्ड के स्केल पे भी ऐसा काम कर सकता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि ये किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है। और फिर क्या कर रहा है, ये सिस्टम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, मतलब जो डाटा है आपके पास में उसकी, उससे जो सबसे अच्छी आउटपुट बन सकती है। अब ट्रूथ तो किसी को पता नहीं होता कि ये बात सही है कि नहीं, लेकिन जो सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, सबसे अच्छे कनेक्शन बना के वो प्रिडिक्ट करेगा, फिर ये काफ़ी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी जो ये डाटा बनाएगा, रिजल्ट देगा उसकी उसमें, ठीक है। तो फंक्शन क्या क्या है इसमें, जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार हैं उनमें सेंसर वगैरह या ऑन बोर्ड एनालिटिक्स या लर्निंग वगैरह यूज़ हुई है, तो इससे क्या होगा, ये जो ऑब्स्टेकल है उनको रिकॉग्नाइज भी कर लेगा और रिएक्ट भी कर लेगा। और इसमें कुछ डाटा इसको पता भी नहीं है, कुछ मतलब पता ही नहीं है कि उस तरीके का एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो वो उसको भी रिकॉग्नाइज करके वहाँ भी रिएक्ट कर लेगा अच्छे बिहेवियर में, ठीक है। और ये कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है उनको इसके लिए तो यूज़ हो भी चुका है, जैसे कोर्ट वगैरह में जो प्रीवियस ईयर का डाटा डाल दिया, कौन कौन सी जजमेंट वगैरह सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, किस तरीके से जजेस ने सोचा था, और उसी को ये अपने दिमाग के अंदर न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोसेस करके बताएगा हमें कि करेक्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। और इसमें जो है ब्रिटिश और अमेरिकन रिसर्चर ने यूज़ किया कि ये अच्छे से काम भी कर सकता है, ये कोर्ट का डिसीजन प्रिडिक्ट कर दे रहा है, क्योंकि आपने देखा इसमें जो नेटवर्क है वो ह्यूमन के ब्रेन की तरह है, तो ये ह्यूमन की तरह सोच सकता है और ह्यूमन की तरह ये डिसीजन ले सकता है, राइट और रॉन्ग किस तरीके से होगा, या आपकी जो वॉइस होगी उसके कंटेक्स्ट से पता लगा के सोच सकता है, किसी खत को पढ़ के सोच सकता है कि ये खत जो है दुखी होकर लिखा है कि किसी बंदे ने खुश होकर लिखा है, तो वो तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वैसे जो मशीन होती है उसको पता नहीं लगता नॉर्मल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पर डीप लर्निंग में इतनी पावरफुल मशीन है वो, इतने जो है माइक्रो लेवल पे जाके सोच रही है वो, और एक प्रिसीजन मेडिसिन बना रही है। डीप लर्निंग से हम क्या कर सकते, ह्यूमन के इंडिविजुअल जीनोम, अब यहाँ पे जीनोम की बात हो रही, जीनोम जो होता है एक ह्यूमन का इंडिविजुअल सेल होता है, उसके अंदर जो भी DNA होता है, कंप्लीट DNA, मतलब उसके अंदर जो जीन वगैरह कंप्लीट जीन होंगी एक सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन का एक सेल होता है उसके अंदर इतना डाटा होता है कि वो पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इतनी पावर होती है उसके अंदर एक के अंदर, तो सिर्फ एक की बात हो रही है, एक ही सेल के अंदर जितना DNA है टोटल उसको बोलेंगे ह्यूमन का जीनोम। तो ह्यूमन के जीनोम होता है काफ़ी बड़ा होता है, ह्यूमन का DNA होता है उसमें बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी आपकी जो ड्रग्स वगैरह होती है मेडिसिन होती है वो एक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, तो उसका जीनोम का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से, मतलब उसी जो उसका जीन होगा, जीन उसकी जेनेटिक मेकअप होगा, किस तरीके से कौन सी बीमारी किसको इफेक्ट करती है, उसकी जो छोटी जो मतलब जो आपके ड्रग्स वगैरह होते हैं ये माइक्रो लेवल पे होते हैं, एक माइक्रो लेवल पे जीनोम का सीक्वेंस होता है, किस तरीके से कौन सा जीनोम जो है डिजीज़ को बिहेव कर रहा है, किस तरीके से दवाई जो है जाके वहाँ पे एक्ट करेगी, वो एक माइक्रो लेवल पे छोटी लेवल पे होते हैं। और वो ह्यूमन का जीनोम काफ़ी बड़ा जीनोम है ह्यूमन का, ठीक है, तो उसकी स्टडी चल रही है, उसमें दवाई बनाने में तभी तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एक पैटर्न फाइंड आउट करने में, ठीक है, तो वो काम जो है ये काफ़ी कम समय में कर सकता है और मेडिसिन को डेवलप कर सकता है और एक टेलर मेड मेडिसिन बना सकता है इंडिविजुअल ह्यूमन जीनोम के लिए, ठीक है। अब इनमें ये काफ़ी ज़्यादा डीप कंसेप्ट हैं, इनको मैं ढंग से पता नहीं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, जैसे इंडिविजुअल जीनोम के ऊपर कैसे एक्ट करेगा, आपको अगर ना भी समझ आए इनमें से कुछ तो रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ये भी मैंने डीप लर्निंग वगैरह समझाने की कोशिश की लेकिन हो सकता है कि समझ ना आई हो, तो सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अगर समझ नहीं आई हो कोई भी। और डीप लर्निंग सिस्टम का गेम प्ले के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे गो गेम है,
ठीक है, गो गेम देख लीजिएगा कैसी होती है गेम, ये जो वाइट और ब्लैक स्क्वेयर होते हैं, कुछ वहाँ पे गेम है कोई, गेम को खेलने के लिए यूज़ हो सकती है, और ये गेम में सीख सीख के बेस्ट बन सकता है किसी भी गेम के अंदर, ठीक है। और डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, जैसे यहाँ पे क्या कर दे रहे थे, मेडिसिन बना दे रहे थे, टेलर मेड मेडिसिन, वैसे ही डिजीज़ की डायग्नोसिस भी कर सकता है ये। पर्टिकुलर पूरा डाटाबेस होगा इसके पास में, पूरे वर्ल्ड का डाटाबेस, पूरे पेशेंट का डाटाबेस, किस तरीके से कौन सी डिजीज़ बिहेव करती है, किस कंडीशन में, उससे ये, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को तो गलती भी हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस लिमिटेड है किसी भी डिजीज़ के प्रति, लेकिन अगर इसने, मशीन ने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया, पूरे वर्ल्ड का जो है डाटा ले लिया, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का, उसकी हैबिटेट वगैरह, उसमें वेदर कौन सा है, यहाँ पे कौन सी बीमारी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में हो सकती है, ठीक है, तो उससे पता लगा के डिजीज़ की अच्छी डायग्नोसिस कर सकता है ये। और कोई भी ओल्ड राइटिंग वगैरह, ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर, जैसे ह्यूमन जो है हड़प्पा के जो स्क्रिप्चर वगैरह, राइटिंग वगैरह, उनको डेसीफर नहीं कर पाया है, तो इनसे क्या कर सकते, इसको बताएंगे हम, इसको पूरा डाटा देंगे जो भी है ह्यूमन में, जो प्रेजेंट डाटा वगैरह सब कुछ देंगे इस मशीन को, और ये उससे एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अच्छी से उसको डेसिफर करने में कोशिश कर सकती है ह्यूमन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।